सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं भद्रोह म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। सर, हमारे मुद्दे जो 20-20 साल से वही मुद्दे हैं, पुराने ही मुद्दे हैं, नया मुद्दा हमने कुछ अभी तक मांगा ही नहीं, ना हमें ज़रूरत है। हमारा मुद्दा ये है सर कि जहाँ हमारे 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया है इन्होंने 18,350 रुपये, वो हमारे बंधुओं को मिलना चाहिए। लेकिन सर, हमारे साथ सिर्फ झूठे वादे होते हैं। हर बार कभी 10 दिन का टाइम दिया जाता है, कभी 15 दिन का टाइम दिया जाता है। इसलिए हमने आज से 25 दिन पहले नोटिस दिया था अपने डायरेक्टर साहब को, गवर्नर साहब को, कि हमारे 25 दिन के अंदर अंदर हमारे मसले हल करो, तो उन्होंने कुछ उस पर गौर नहीं फरमाया। इसलिए हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, आज 3-4 दिन हो गए, और ये स्ट्राइक अब तब तक चलेगी जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। हम कुछ दिनों तक देखेंगे, 1-2 दिनों तक, और उसके बाद हम अगर अपने बीबी बच्चों को रोड पर लेके आए तो उनका अगर कोई नुकसान हमारे बच्चों का हुआ तो उसकी जिम्मेवारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, आला अफसरान और गवर्नर साहब की होगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। हम अपने आप को या तो जहर खा के मार डालेंगे अपने आप को, या तो गवर्नमेंट हमें गोली मार दे, और हमें इससे बेटर मसला हमें कोई नहीं लगता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर आपको चाहिए, हमारी ज़रूरत है, तो हमारे मसले हल कीजिए। अगर नहीं है ज़रूरत तो वैसे हमें फोर्स ला के, हमें बम से उड़ाए, हमें गोलियाँ मार दे, हमें जला दे, हमें कुछ भी करे, लेकिन हमारा हक हमें दे। हमें 1,750 रुपये में गुजारा नहीं चलता है। हम गवर्नमेंट से बहुत इंतजा कर चुके हैं, बहुत विनतियाँ कर चुके हैं, लेकिन अब हम गवर्नमेंट को चेतावनी देते हैं कि अगर 1-2 दिन में हमारा काम नहीं हुआ तो उसके बाद लीड बेस मुलाजिम जो भी मसला उठाएगा, जो भी मुद्दा उठाएगा, जो भी कुछ भी करेगा, तो उसकी जिम्मेवारी सारी यहाँ की सरकार को होगी, जो सरकार चोर है, जो हमारा कुछ करती नहीं है। शुक्रिया जनाब। सर, मैं मोहम्मद इसहाक, जनरल सेक्रेटरी सफाई कर्मचारी म्यूनसिपलिटी भद्रवा। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हर वक्त हमारे साथ हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। हमारी वही पुरानी मांगे हैं जो आज से पहले 15-20 साल से रोड ऊपर हैं। सफाई कर्मचारी जो अदर देन जितने भी हमारे कैजुअल लेबर मुलाजिम हैं, वो बेचारे 15-20 साल से काम कर रहे हैं। उनकी जो मिनिमम वेजेस है वो 1,750 है, उससे हमारा घर नहीं चलता, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम गवर्नमेंट से बार बार यही अपील करते हैं कि हमारे जो सफाई कर्मचारी अदर देन जितने भी डेलीवेजर हैं हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए, ताकि उनका ये नहीं कि जो बार बार रोडों पे आना पड़े, बार बार मीडिया के सामने बोलना पड़े। और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, हमारे गवर्नर साहब के लिए, कि पिछले 15-20 साल जो हमारे पेंडिंग मसले वो नहीं हो रहे हैं, और ना ही वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे साथ कुछ वादा किया था कि जब 370 ख़त्म होगा तो यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा, जैसे दिल्ली की यूटी में है, चंडीगढ़ की यूटी में, वो भी आज तक वो वादे के वादे रह गए, कोई मिनिमम वेज एक्ट नहीं मिला। इसलिए हम उनसे भी मीडियम के माध्यम से अपील करते हैं कि वो मिनिमम एक्ट वो जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, और साथ में जो हमारे 7 साल कवर कर चुके हैं उनको SRO 64 जो है उसके तहत परमानेंट किया जाए। वरना आज हम खाली सफाई कर्मचारी रोड पे हैं, ऐसा ना हो जाए कि कल हम अपने बीवी और बच्चे लेकर सब रोड में आ जाएं। और जो हमारा ये एक सफाई कर्मचारी का मसला नहीं है, ये 61,000 कैजुअल लेबर जो है ये उनका मसला है। जब 61,000 कैजुअल लेबर रोड में आ जाएगी, उसकी जो जिम्मेवारी होगी वो पूरी यहाँ के गवर्नर इंतजामिया की होगी और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। बहुत शुक्रिया। हल करो, हल करो।